ईमेल और एनीथिंग सेंड, आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज गाइड मी। अच्छा, क्लासेस में अंबर आप आर यू डिस्कसिंग के ये जो जूम सेशन है या जो आपको एलएमएस पोर्टल के ऊपर मिलते हैं आप उसकी बात कर रही हैं? व्हिच वन आर यू टॉकिंग अबाउट, ताकि उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अगर तो आप लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट के जो एलएमएस के ऊपर वीडियोस आती हैं, ठीक है, जो एलएमएस की वीडियोस हैं उसकी अगर आप डिस्कशन करना चाह रही हैं, तो वो आपको एवरी वीक ऑटोमेटिकली लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे, उसकी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वो खुद ब खुद ही लेक्चर्स जो हैं एलएमएस पर वीक बेसिस के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, और जब आप उसको एलएमएस को रिफ्रेश करेंगी, ठीक है, तो वो वहाँ पे आप लोगों को आपकी वीडियोस मिल जाएगी, फिर आपकी क्विज होते हैं वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगे, आपकी कुछ असाइनमेंट्स होती हैं वो भी वहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे, राइट। और रही बात ये हमारे जूम सेशंस की, तो ये हम लोग वंस इन अ वीक या वंस फोर्टनाइटली हम लोग करवा रहे होते हैं जी। अभी मैं वीडियो सादी अक्रम अभी ऑन नहीं की है, अभी मैं जरा डिस्कशन कर रहा था, फिर मैं करता हूँ। जो जूम सेशन की हम लोग बात कर रहे थे, नहीं जी मैं अभी शेयर स्क्रीन कर ही देता हूँ। ओके जी, अब बताइएगा आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, जूम सेशन की मैं बात कर रहा था कि हम लोग एवरी फोर्टनाइटली इसको करते हैं, जिसमें यू कैन से कि एवरी 14 डेज के बाद कोई ना कोई जिस वक्त प्रॉब्लम आ जाती है किसी स्टूडेंट को, तो मैं उन लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर करता हूँ अपने पेज के ऊपर, ठीक है। हमारा जो पेज है उसके ऊपर एक पोस्ट शेयर होती है कि जूम सेशन इस दिन होगा, जिस तरह आप लोगों को पता चला है तो किसी तरीके से पता चला है, इसी प्रोसेस के थ्रू पता चलता है किसी का मुंह कौन हो गया। काइंडली ऑफ कर लें मोहम्मद रिजवान, चलो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। माइक के ऊपर प्लीज काइंडली खास ख्याल रखा करें। अच्छा, ओके, बाकी सबको तो मेरी आवाज आ रही है ना, कल इनका कोई इशू ना हो जिसमें उनको आवाज नहीं आ रही। Yesterday I received the SMS notification for today's class. For Zoom, is there any schedule to हम लोग miss ना कर सकें आप लोग, ठीक है। ये एक question आया है मोहम्मद का। अब इसके अंदर जिस तरह ये SMS की बारी थी, SMS आप लोगों को मिला, इसी तरीके से आ लोगों को पोस्ट वगैरह भी हो सकता है नजर आ जाए, ठीक है, और हो सकता है कि SMS आप लोगों को नजर आता जाए। तो दैट विल बी अपॉन यू गाइज कि जब आप लोगों की क्यूरीज ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, जिस वक्त क्यूरी ज्यादा हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली फिर मैनेजमेंट मुझे कह देती है कि जी ये बिल्डों को कुछ समझ नहीं आ रहा है या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए एक जूम सेशन अरेंज कर लेता हूँ। जिस तरह मेरा कल एक लोगो डिजाइनिंग का सेशन होगा, परसों मेरा उसका सेशन होगा यूआई यूएक्स का, तो ये सारी जब हमने क्यूरीज गैदर की कि जब मैनेजमेंट से क्यूरीज वगैरह नहीं हैंडल हो रही थी, स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर आप लोगों को मैं जूम सेशन अरेंज करवा देता हूँ। जिस तरह आज के सेशन के अंदर हम लोग वो करेंगे विजिटिंग कार्ड, और फिर उसके बाद लेटर ऑन आप लोगों को अगर फिर कोई मजीद प्रॉब्लम आएगी तो लेट्स से ईद के बाद हम लोग एक सेशन और रख लेंगे, उसमें नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि इसमें काफी सारे बैज इकट्ठे ही हैं हमारे पास जिसमें चलना। तो आई थॉट के कुछ लोगों को ये कंपनी ब्रांडिंग के टॉपिक से रिलेटेड जिसमें विजिटिंग कार्ड था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई थॉट कि हम लोग वो डिजाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की है freepic.com, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने शायद अपने लेक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ है कि आपने कभी भी कोई डिजाइन वगैरह देखना है तो आप लोग इजीली यहां से देख सकते हो। नाउ ऑन freepic आई विल राइट विजिटिंग कार्ड डिजाइंस। अच्छा, डिजाइन लिखना लाजमी है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इस तरह से डिजाइन नजर आ जाए। अब ये देखें, आपके पास काफी सारे डिजाइन नजर आना शुरू हो गए कि ओके, नौरीन
क्वेश्चन है वेक्टर और पिक्सल को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, मैं कर देता हूँ। अच्छा, पिक्सल इज एनीथिंग दैट इज टेकन फ्रॉम अ कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि फ्रॉम अ कैमरा। आपने कोई भी एक क्लिक लिया है तो वो आपके लिए एक वेक्टर होगा। जबकि पिक्सल के ऊपर अगर हम बात करें तो पिक्सल इज समथिंग दैट सॉरी वेक्टर के ऊपर बात करें तो वेक्टर इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूला। यानी कि जिस तरह आप लोग अपना मैथमेटिक्स में या फिजिक्स वगैरह में पढ़ते होते थे इंटीग्रेशन, वो चीज है। अब वो उस तरीके से बनाया जाता है ये एक वेक्टर। उसको आप मर्जी पिक्सल में इंक्रीज कर, साइज उसका डी स्केल कर लो, जो मर्जी कर लें, कभी भी वो पिक्सलेट नहीं होगा। वो अपना कभी एक खराब नहीं होने देगा। जब कि आपने अक्सर नोट किया अपने मोबाइल फोन से भी आप लोग, दिस शोज दैट दैट पिक्चर इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ पिक्सल्स। ठीक है, यानी कि पिक्सल्स हमेशा एक टाइम के बाद फट जाएंगे, एक टाइम के बाद ब्लर होना शुरू हो जाएंगे, जबकि वेक्टर कभी भी ब्लर नहीं होता। ये डिफरेंस है हमारे पास। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नौरीन, अभी भी कोई इशू तो नहीं आपको? अगर है तो बता दीजिएगा। गेस आई बिलीव नहीं है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब हम लोग डिस्कशन कर विजिटिंग कार्ड बनाना है। जिस तरह आपके सामने ये विजिटिंग कार्ड जा रहे हैं तो वो कैसे बनेगा? लेट्स से मैं ये वाला कार्ड ओपन कर लेता हूँ। इसको आप में से जिसके बॉडी लोग बाकी स्टूडेंट्स को मेरा ऑडियो क्लियर, ट्रू गाइस सब ऑडियो क्लियर आ रहा है तो काइंडली एक मैसेज पे बता दीजिए क्लियर, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम जो है वो सब। अच्छा, फ्री पिक के अलावा हमारे पास एक वेबसाइट और भी है विच इज नोन एज पिंट्रस्ट। हम लोग पिंट्रस्ट के ऊपर भी डिजाइन वगैरह देख सकते हैं। ये नाम आवाज अब आ रही सबको क्लियर? नाउ यहाँ से तो सारा क्लियर चल रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों का आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है। चलिए, सारा डिस्कस शो आ रहा है तो। अच्छा, मेरे पास कुछ सैंपल्स वगैरह भी बने हुए हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे ये विजिटिंग कार्ड है, एक ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये इस तरह से, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। और भी डिजाइन देख लेते हैं। फाइन नाउ चले जी, थैंक यू। अब हमारे पास से आ गया। इसी को बना लेते हैं, ये आपके लिए आई बिलीव इजी ही रहेगा। इसके सबसे पहले हम लोग एक इमेज सेव करेंगे और इसी को देखते हुए अंबर वी विल बी वर्किंग ऑन फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप के ऊपर हम लोग ये बनाएंगे।
अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने इमेज वगैरह जो हमने सेव करना था वो कर लिया, उसके बाद हम लोग सिंपली जिस तरह ये विजिटिंग कार्ड था इसको राइट क्लिक करके वी विल बी ओपनिंग इट इन फोटोशॉप जस्ट फॉर द पर्पस के हम लोगों ने इसका कलर कॉम्बिनेशन, कलर कोड वगैरह हमें वो वाला चाहिए जिस तरह का ये एक हमारे पास सैंपल इमेज में है, जिसकी वजह से मैंने इसको फोटोशॉप में ओपन किया। ऑलराइट, हियर वी गो। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को पोस्टर डिजाइनिंग के अंदर भी बताया था कि जब कभी भी आप लोगों ने स्टार्ट करना है तो उसमें आप लोग इसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर लो। सो रेजोल्यूशन इंक्रीज करने के लिए मैं कमांड ऑप्शन आई का बटन प्रेस करूंगा एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 93 पिक्सल्स पर इंचेस। ये आप लोगों ने याद रखना है यूनिट इसका कि 93.98 पिक्सल्स पर इंचेस आ रहा है, तो कलर हमारे पास जरा नॉर्मल आ रहा है। क्यों ना हम इसके पिक्सल्स को इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज मैं इसको 300 कर देता हूँ, तो ये देखो इसका कलर शार्प होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स हिट ओके। नाउ देयर यू गो, दिस ऑरेंज कलर इज डार्क एंड द कलर ओवर हियर इसके अब काफी आना शुरू, इस वजह से हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे। अब इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपना कैनवस बनाना पड़ेगा। कैनवस हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड साइज होता है इसका सेट करने के लिए या विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, हम लोग वो बनाएंगे। इंचेस हमारे पास सेलेक्ट होना चाहिए यूनिट का, ठीक है। एंड आर विथ शुड बी 3.25 और जो हमारे पास हाइट होनी चाहिए दैट शुड बी 1.75। रेजोल्यूशन इसका हम लोग 300 रखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास कलर मोड है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग इसको किस तरीके से करना चाह रहे हो। अब जैसे हमारे पास विजिटिंग कार्ड है तो वो कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर तो लोग एक दूसरे को शिफ्ट या नहीं भेजते हैं कि जी हमारा व्हाट्सएप का व्हाट्सएप पे आपको मैं अपना विजिटिंग कार्ड भेज रहा हूँ। हमेशा से आप लोगों ने ये देखा होगा या नोट किया होगा कि जब कभी भी विजिटिंग कार्ड बनाया जाता है तो वो प्रिंट हुआ जाता है। सो प्रिंट पर्पसेस के लिए हम लोग CMY के कलर मोड इस्तेमाल करते हैं एंड देन जस्ट हिट द क्रिएट बटन। नाउ यू कैन सी ये एक विजिटिंग कार्ड की तरह की लुक आना शुरू हो गई है जस्ट लाइक दिस, बट वी आर नॉट डन येट। व्हाई? बिकॉज जब कभी भी प्रिंटिंग का काम होता है तो उसमें हम लोग को एक ब्लीड मार्जिन और ट्रिम मार्जिन रखना लाजमी होता है। अगर आप लोग ब्लीड मार्जिन और ट्रिम मार्जिन नहीं रखोगे तो फिर प्रिंटिंग एरर्स भी आ जाते हैं अक्सर। जिस तरह के लेट सपोज ये आपका स्टार्ट है और आप लोगों ने जस्ट, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे आगे। जी ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैंने ब्लीड मार्जिन और ट्रिम मार्जिन नहीं लगाया और मैंने अपना टेक्स्ट बिल्कुल एज से शुरू कर दिया। इधर इट्स द टेक्स्ट और आपका कंपनी का कोई लोगो है, जो भी चीज है, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग्स हमारी आपको अंबर नए लेक्चर्स के अंदर साथ साथ अवेलेबल होती जाएंगी। जो आपको नया बैच है आपका तो वन बाय वन आपको एवरी वीक रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। जैसे ही आपने यहाँ पे लिख दिया अपना टेक्स्ट, लेट सपोज ये प्रिंटर के पास गया और प्रिंटर ने जब इसकी कटिंग शुरू की तो उसने यहां से कटिंग की बजाय गलती से इतना कट तो सिर्फ दिस इज राइट, प्रिंटर तो कट चुका है। इसकी वजह से हम लोग एक सेफ साइड के लिए मार्जिन्स बना देते हैं। ठीक है, ओपन है। मुझे तो आवाज नहीं आ रही। अनीला रियासत, अब इन्होंने म्यूट कर दिया है। अपने माइक्स के साथ काइंडली आप लोग देखा करेंगे, इसको ना होने दिया करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब जैसे मैंने अब आपको बताया कि इसके लिए हम लोगों को ब्लीड मार्जिन और ट्रिम मार्जिन बनाना पड़ता है। विजिटिंग कार्ड के लिए एक हमारे पास बड़ा इजी प्रोसेस होता है कि हमारे पास ये रूलर्स नजर आने चाहिए। उसके लिए आप लोग कमांड या कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो ये हमारे पास रूलर्स आ जाएंगे। फिर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोगों ने बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर ये रूलर्स लगाने हैं।
जस्ट लाइक दिस। जैसे ही आपके रूलर्स लग गए, आपके पास एक साइड तैयार हो गई या एक मार्जिन तैयार हो गया। अब यहां से ऊपर हम लोग कैनवस इंक्रीज करके उसको डिफाइन कर देंगे कि दैट कैनवस विल बी बेसिकली आर ब्लीड मार्जिन एंड द ट्रिम मार्जिन। अब उसके लिए जब आपने ये कैनवस पे साइड की सेटिंग सारी करनी है, उसके बाद गो इनटू इमेज एंड देन कैनवस साइज। इसकी शॉर्ट की होती है कमांड ऑप्शन सी, आप ये भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिलेटिव आप लोगों का ऑन होना चाहिए। ये एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कैनवस बनाते हुए कि अगर रिलेटिव आप लोग ऑन नहीं रखोगे तो आपका कैनवस खराब हो जाएगा। उसके बाद विड्थ और हाइट आपने अपने हिसाब से सेट करनी है जितना आपने मार्जिन देना है। तो मैं अभी के लिए 0.25 इंचेस का मार्जिन दूंगा विड्थ और हाइट को। रिलेटिव मेरा ऑन है। कलर मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये विंडो ओपन होने का मकसद क्या था। ठीक है, जो मैंने कैनवस इंक्रीज किया वो कैनवस इंक्रीज आया। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, हैव अ लुक, ये ग्रीन कलर में यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब एक चीज नोट करें कि ये जो मेरे पास रूलर था, इस रूलर से एग्जैक्टली ऊपर, विच शोज कि ये हमारे पास में भी ब्लीड मार्जिन होगा। ठीक है, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इस तरह से डिस्कस हो रही होगी। इसी तरह से हम लोगों ने एक दफा ये प्रोसेस रिपीट करना है। उसके लिए भी दोबारा से कैनवस, अब टॉप वाला एरिया जो आ जाएगा हमारे पास, जी मैं दोबारा रिपीट ये प्रोसेस करने लगा क्योंकि हमें दो दफा करना होता है। तो आपके आपको ये रिविजन हो जाएगी आपके लिए। ये चारों साइड पे देखो, मैंने अपना कैनवस के साइडों पे रूलर लगा दिए। उसके बाद आई विल गो इनटू इमेज एंड देन कैनवस साइज। जैसे ही मैं वहां पे गया, ये रिलेटिव को मैंने एक्टिव कर लिया। रिलेटिव एक्टिव करने का मकसद ये होता है कि जो मैंने रूलर्स लगाए हैं, इससे बाहर मेरा कैनवस बनेगा। अगर रिलेटिव एक्टिव नहीं होगा तो वो अंदर वाले एरिया से कैनवस बनना के शुरू होगा और वो बाहर तक आएगा, वो आपका कैनवस खराब हो जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, अब दोबारा से रिलेटिव ऑन कर लिया और विड्थ और हाइट हम लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर दी। सो 0.25 और 0.25 इंचेस। कलर मैं दिस टाइम चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आई जस्ट कीप इट एनी कलर, हिट ओके, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास कैनवस बनाया किस तरह गया है। ठीक है, ये मेरा कैनवस तैयार हो गया जिसमें ये भी 0.25 इंचेस है और ये भी 0.25 इंचेस है। अब मैं अपना जो भी बनाना चाह रहा हूँ, यू कैन से विजिटिंग कार्ड, वो बनाऊंगा। सबसे पहले अब ये कलर्स, इस तरह के कलर्स तो ऑब्वियसली नहीं चल रहे होंगे, सो हम लोग इसको सबसे पहले व्हाइट कलर कर देते हैं, फिर उसके बाद जो भी बैकग्राउंड कलर वगैरह करना है और जो डिजाइन बनाना है वो बनाते हैं। अब इसकी शॉर्ट की आप लोगों को पता है क्या होती है, कमांड एंड बैकस्पेस। जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड की ऑप्शन बैकस्पेस, इसकी कमांड बैकस्पेस। बैकग्राउंड लेयर मेरे पास सिलेक्टेड है एंड देन आई विल जस्ट प्रेस कमांड एंड बैकस्पेस। तो ये मेरे पास सारा व्हाइट कलर में नजर आना शुरू हो गया, जो भी मेरा कलर यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। ठीक है, उस तरीके से आई कैन जस्ट पेस्ट इट। यहाँ तक क्लियर है सब बात? ठीक है, कोई किसी को इश्यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अब हम लोग आगे अपना डिजाइन करना शुरू करते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये एक डिजाइन है। अब इसमें बैकग्राउंड कलर देखो क्या है, ब्लैक आ रहा है और ये एक शेप है पेन टूल की बनी हुई जो ऑरेंज कलर की है और मेरे पास बीच में ये शेप भी आ रही है। तो हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइन करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ दिस विल टर्न आउट टू बी। तो या तो आप लोग अपनी मर्जी से ब्लैक कलर चूज करो, लेकिन मैंने ब्लैक कलर चूज क्यों नहीं किया वो वाला, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट अच्छा शेड आ रहा है, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं ये वाला शेड ही इस्तेमाल करूं। अब ये वाला कलर मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि कलर कोड क्या है क्या नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है फोटोशॉप में जो दी हुई है, वो आई ड्रॉपर टूल है। मैंने आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हो गया। ठीक है, एंड देन सिंपली सिंगल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये मेरे पास वो वाला ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया। देन आई विल गो बैक टू माय टैब एंड देन ये वाला कलर मैं इस बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देता हूँ और उसकी शॉर्ट की क्या है, ऑप्शन एंड बैकस्पेस। ये मेरे पास वो वाला कलर आ गया। अच्छा, जिस वक्त आप लोग डिजाइन कर रहे हो
उस वक्त आप लोग अपनी गाइड्स को हाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बनाने का मकसद ये था कि जो मेरा अंदर वाला एरिया है उसमें मेरा टेक्स्ट आएगा और मेरा लोगो आएगा, जो बाहर वाला एरिया है इसमें डिजाइन आएगा, ताकि अगर कट भी जाए तो वो डिजाइन फील नहीं होगा कट हुआ। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और हाइड करने की शॉर्ट की मेरे पास है कमांड एंड सेमी कोलन। ठीक है, सेमी कोलन वाली मैं अभी टेक्स्ट सेक्शन में लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, इससे हमारी गाइड्स हाइड हो जाती हैं, और जब ब्रिंग बैक करनी है तब भी आप लोगों ने यही वाले ही प्रेस करना होगा बटन। एनीवेज, ये ब्लैक कलर मेरे पास सेट हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट कलर क्या है, ये ऑरेंज कलर का डिजाइन। आई ड्रॉपर टूल दोबारा से एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करके फिर हम लोग इसमें वो वाला कलर फिलहाल चूज कर लेते हैं। यहाँ से डिफरेंट कलर है, थोड़ा यहाँ से डिफरेंट कलर है, ठीक है। वो अब थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला कलर चाह रहे हो। मैंने फॉर द टाइम बीइंग ये से एक कलर चूज कर लिया है जो ऑरेंज का शेड था। नाउ लेट्स गो टू आवर डिजाइन एंड लेट्स, दिस इज अ पेन टूल, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर एक कर्व आया, फिर इस तरह और इस तरह, फाइनली ये इस तरीके से हमारे पास डिजाइन बन गया। हम भी कुछ इसी तरह का डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी हाउ दिस विल टर्न आउट टू बी। ठीक है, ये मेरे पास टैब ओपन है, पेन टूल सेलेक्ट किया मैंने, मेरे पास पाथ सेलेक्टेड है, मुझे पाथ नहीं ट्रेस करना, मुझे एक शेप बनानी है। तो यहाँ से मैं शेप को एक्टिव कर लूंगा, ये जो मेरी करंट शेप थी ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद देखिए जुनैर, बाकियों को भी हम लोगों ने जरा चेक करना होता है कि बाकी स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। रात को अक्सर स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये वाला टाइम हम लोगों को रखना पड़ा था। एनीवेज, बाकी चलो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग, मेरा ख्याल है आपको अवेलेबल हो जाए। अच्छा, ये अब हम लोग एक इसका डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, नौरीन का एक क्वेश्चन आया कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। प्राइमरी कलर्स आपके वो वाले कलर्स होते हैं जो आपके मेन कलर्स हैं, आप जिसको चूज करते हुए आपने डिसाइड करना है या आपने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, वो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। सो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप उसमें क्या चीज कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं। और जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह की आप बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स आपको आपके एलएमएस के ऊपर होपफुली मिल जाएंगी। ठीक है, वहां पर ये मेरे पास अब एक शेप बनना स्टार्ट हो गई है। We have now made one shape. अब हम इसको मजीद अगर एडिट करना चाहते हैं पेन टूल के थ्रू, तो वो ट्रांसफॉर्म टूल यूज करते हुए हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये शेप को एक्टिव किया एंड देन कमांड या कंट्रोल टी करके इसको आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, इंक्रीज कर सकते हो जिस तरह मर्जी, डिजाइन को इंक्रीज करना है, स्ट्रेच करना है, इस तरह स्ट्रेच करना है, इसको छोटा करना है, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, हम लोग उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेंगे। अच्छा, सेकेंडली एक चीज और हमारे पास है, पेन टूल इज नॉट बेसिकली द मोस्ट डिफिकल्ट, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग टू डू, बस थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो पेन टूल आपको सबसे इजी लगेगा। व्हाई? बिकॉज मुझे खुद पेन टूल इतना टफ लगता था कि मुझे समझ नहीं आती थी मैं ये कैसे करूं, बट जब मेरा हाथ सेट हो गया, मैंने इस पर प्रैक्टिस कर ली है, तो नाउ आई कैन इजीली यूज माई पेन टूल। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सके आप लोगों ने पेन टूल की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, अच्छा, व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इज कि मैं इसके ऊपर कुछ ग्रेडियंट लगाना चाह रहा हूँ। ग्रेडियंट क्या चीज होती है, ये भी आप लोगों ने सबने
देख लिया होगा कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू कलर्स इज नोन एज ग्रेडियंट। तो अब इसमें जिस तरह यहाँ हमारे पास सैंपल में वाइट कलर की मिक्सिंग हुई हुई है, इसी तरह मेरे पास भी ये ऑरेंज और वाइट कलर ही है, तो मैं इसमें ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैं ग्रेडियंट को एक्टिव करता हूँ, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा ग्रेडियंट बनाना। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये वेक्टर शेप हमारे पास हुई हुई है और ये हमारे पास एक यू कैन से पिक्सेलेटेड शेप नहीं है। तो क्यों ना हम लोग एक एम्प्टी लेयर बनाएं और यहाँ से सिलेक्शन को एक्टिव कर लें, ठीक है, और फिर एक ग्रेडियंट बनाएं। जैसे ही मैंने एम्प्टी लेयर बनाई, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सिलेक्शन को क्यों बनाया। आई विल जस्ट शो यू व्हाई। देखो, एम्प्टी लेयर बना दी तो ग्रेडियंट तो एक्टिव हो गया, अलाउ हो गया कि हम लोग ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जी अब आ रही है वीडियो सबको। हाई स्पीड इंटरनेट लगा भी हुआ है, बट स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम ना कभी कभार आ ही जाती है इसमें। अपोलॉजीज फॉर दैट, वो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बेयर कर लीजिएगा इस काम को। अच्छा जी, हम लोग थे ग्रेडियंट के ऊपर कि ग्रेडियंट कैसे बनाना है। अब मैंने ये लेयर वन को एक्टिव किया और मैंने ये ग्रेडियंट बनाने की कोशिश की। प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे पूरे कैनवस के ऊपर ये ग्रेडियंट बन गया। अब मुझे पूरे कैनवस पे ग्रेडियंट तो चाहिए नहीं था। व्हाट आई वांटेड वाज ग्रेडियंट ओनली ऑन दिस शेप, ठीक है। शेप मैंने कैसे एक्टिव की है? शेप मैंने पेन टूल लेके तो अपनी मर्जी से ये शेप इस तरह से बनाई थी। जैसे ही मेरे पास लेयर वन एक्टिवेटेड है, मैं कमांड प्रेस करके जो मेरे पास ये शेप बनाई है मैंने, इसके थंबनेल पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक किया, आप देखो ये इसके राउंड सेटिंग में सिलेक्शन आना शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे ही ये सिलेक्शन ऑन हो गई है, फिर मैंने सिंपली ग्रेडियंट बनाया। जैसे ही मैंने ये सिलेक्शन लेके बनाया ग्रेडियंट, तो हमारे पास एडवांटेज क्या आ गया कि सिर्फ और सिर्फ इस शेप के अंदर मेरे पास ये सिलेक्शन आ गई है। ऑलराइट, अब उसको हम लोग ओपेसिटी के साथ जो थोड़ा बहुत सेट करना चाहें वगैरह, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग देख सकते हैं। वीडियो नहीं आ रही है, मैंने तो शेयर स्क्रीन कर ली है। अब आ रही okay. अच्छा जी, लेयर वन मेरे पास ग्रेडियंट की लेयर है। इसको सबसे पहले तो मैं डबल क्लिक करके ग्रेडियंट का रीनेम दे देता हूं, ऑलराइट, और फिर ओपेसिटी को कम करता हूं। अच्छा, जैसे जैसे ओपेसिटी कम होगी, यू कैन सी कि ऑरेंज की इंटेंसिटी ज्यादा रही है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कलर हमारे पास ऑरेंज था और उसके ऊपर हम लोगों ने ग्रेडियंट बनाया था, और अब उस ग्रेडियंट का जैसे ही मैं कलर कम करूंगा तो वो इंटेंसिटी ऑरेंज की ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप लोग कैसा कलर चाह रहे हो, कैसा नहीं चाह रहे हो। सिलेक्शन को डिसलेक्ट करना है तो कमांड और कंट्रोल डी प्रेस करके ये डिसलेक्ट हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये नॉर्मल हमारे पास कलर डिसाइड हो गया है।
सेकेंडली मेरे पास और क्या ऑप्शन आ जाती है कि ये एक शेप बनी हुई थी, हम लोग ये शेप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक पॉलीगोनल टूल में भी हो सकता है या कोई भी और टूल बनेगा। अभी लेट्स सी, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड शेप्स में ये टूल आ जाता है, ये रहा पॉलीगोनल टूल, ठीक है। ये मैंने एक्टिव किया और यहाँ से मे बी फिलहाल ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, बाकी पर हम लोग चेंज करके देखें। शिफ्ट प्रेस करके आई विल जस्ट मेक द शेप, देयर यू गो, ये मेरे पास शेप बन गई। कमांड टी प्रेस करके, जी बिल्कुल इकरा, आपका क्वेश्चन है कि फाइनल प्रोजेक्ट में लोगो भी बनाना है, तो एज इट इज हम इलस्ट्रेटर पे बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोग विजिटिंग कार्ड भी इलस्ट्रेटर में बनाना चाहें, आप लोग वो भी बना सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस पर बनाना चाह रहे हैं। जी ये हमारे पास एक शेप तैयार हो गई है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए, कोई शेप बना इस तरीके से बना सकते हैं आप। और इसमें मजीद अगर आप लोगों ने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, लेट सपोज मैं ड्रॉप शेडो लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं वो कैसे लगाऊंगा, थोड़ा सा इसका पहले साइज इंक्रीज कर लेते हैं और इसको रोटेट करते हैं। चलो अब हम लोग इसमें ड्रॉप शेडो लगाने की कोशिश करते हैं, अगर वो लगाए तो कैसे लगाएंगे। उसके लिए जो मेरे पास ये लेयर पैनल है, लेयर पैनल में लेयर को डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास लेयर स्टाइल बॉक्स ओपन हो जाता है। अब इस लेयर स्टाइल बॉक्स के अंदर हम लोग अपनी मर्जी से अंबर कैनवा के ऊपर नहीं हम काम करेंगे, क्यों, क्योंकि कैनवा इज समथिंग विच इज वेरी अनप्रोफेशनल एंड इट इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर द डिजाइनर्स जिनको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज करना आता है कि वो लोग कैनवा इस्तेमाल करें। Because Canva is for immatures, Canva is not for the professional people. ठीक है, वहाँ पे बने बनाए predefined आप लोगों के पास canvases होते हैं, presets होते हैं, and you guys are better than that. I'm pretty sure about it कि आप लोग Canva से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा perform कर सकते हो. So never think कि आप लोग predefined set जो चीजें हैं, presets हैं, उस पे काम कर लो. If you are here to learn Photoshop, you should be having a good grip on Photoshop. Okay, Shajil, अगर आप तो आप पूछ सकते हैं। हमने अब इसको drop shadow लगाना है। Drop shadow लगाने के लिए मेरे पास ये drop shadow का option आ गया। I believe जी student dashboard पे आप लोगों को नौरीन ये मिलेगा, जो आपका वो है ये zoom session, ये मिल जाए। अच्छा, मैं अपने माउस के साथ ड्रॉप शेडो को सेट कर रहा हूँ कि मैं कहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। जाहिर है यहाँ रखूंगा तो ऐसा इस तरह से मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक इस तरह यू कैन से विजिबिलिटी अच्छी नहीं आती है। सो व्हाट आई डू इज मैं थोड़ा सा इसको ऑरेंज वाले सेक्शन के ऊपर रखता हूँ और आई विल जस्ट कीप इट समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। यस, दिस लुक्स बेटर, विजिबिलिटी के लिए यहाँ तक रख लेते हैं। और उसके बाद ओपेसिटी को अगर हम लोग कम करना, लेट्स से इतनी ओपेसिटी में करूंगा, जाहिर है क्योंकि जो कभी भी आप देखो शेडो है वो 100% ब्लैक कलर में नहीं होता है, वो थोड़ा लाइट कलर में होता है, तो हम लोग इसको एक लाइट कलर के अंदर बनाएंगे एंड मे बी समवेयर अराउंड हियर। और थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ उसकी, या थोड़ा नॉइज देना चाह रहा हूँ, तो इसका मैं नॉइज इंक्रीज कर रहा हूँ। सी जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह से एक इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए। डिस्टेंस हम लोग इसका ज्यादा नहीं, थोड़ा ही रखते हैं। I find it difficult to understand properly.
इसमें सच में समझ तो नहीं पाया, लेकिन वर्जन पुराना हो या वर्जन नया हो, उसके अंदर सारा कुछ सेम ही होता है। एंड दिस वी आर वर्क फोटोशॉप नॉट इलस्ट्रेटर, ठीक है? तो ये तो हमारे पास इलस्ट्रेटर फोटोशॉप यूज हो रहा है। सेकेंडली, आप लोग एक और चीज को भी देख लीजिएगा कि आप लोगों के पास सीसी वर्जन होना चाहिए, क्रिएटिव क्लाउड वर्जन, नॉट सी एस वर्जन। दिस इज आउटडेटेड, वो पुराना हो गया है। सी नया वर्जन है, ठीक है? तो आप लोग, अगर आपके पास ओल्डर वर्जन भी, तो आप उसको अनइंस्टॉल करके जस्ट डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, इवन आप कर लो उसको डाउनलोड, तो फिर इजी रहेगा। जब हमारे पास ये शेप बन गई है, फिर हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है और अपने आइकन्स वगैरह डालने, वो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के लिए तो मेरा ख्याल है ये काफी एक इजी टास्क होता है कि आप लोग टेक्स्ट में सिंपली टी प्रेस कर एंड यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट इजीली लिख सकते हो, जिस तरह ये लॉरेन में लिखा हुआ। यहाँ पे आप पर्सन का नेम लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज आई विल राइट माय नेम, और मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि ये इसके अंदर फिट आ जाए, जस्ट लाइक दिस। अच्छा, नाउ दैट आई हैव ज़ूम्ड इन, आई हैव कम टू बिलीव कि ये अच्छा नहीं लग रहा जो ड्रॉप शैडो था। सो व्हाट आई डू इज, ड्रॉप शैडो को हम ऑफ कर देंगे और एंड में हम लोग इसका कलर भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉलीगॉन टूल हमने बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें अपना टेक्स्ट मैनेज कर लें पहले, जो जो हम लिखना चाह रहे थे। अच्छा, टेक्स्ट में टेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? ये अक्सर आप लोग भी प्रॉब्लम करोगे इस चीज में कि आप लोग टेक्स्ट की एडजस्टमेंट सही नहीं करोगे। हमारे पास हेलवेटिका है, हेलवेटिका से दिस इज अ गुड फॉन्ट, लेकिन मैं एक फॉन्ट और आप लोगों को दिखा देता हूँ, फ्यूचरा। दिस इज ऑल्सो रियली नाइस फॉन्ट। सो इटैलिक नहीं लिखने हम लोगों को, रेगुलर में रखने हैं, में रखने हैं। न्यू हेलवेटिका नॉर्मल, दिस वन लुक्स बेटर। कर लिया, अब इसको तो इसके साथ इसको हम लोग वाइट देने के लेते हैं। लाइक दिस। अब यहां से जो फर्स्ट नेम है, जा रहा हूं सेलेक्ट करके, मैं यहां से इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? एंड जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा, नाउ यू कैन सी कि ये एक रेगुलर फॉन्ट में है, ये थोड़ा स्क्रीन आ रही है नजर सबको।
Can everyone see the screen? Okay. इनका तो बस एक तरीका बन गया कि आप इस तरीके से अपना फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हो, एंड इसमें रोटेट करके तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑक्यूपेशन के, जो जिसके लिए कार्ड बन रहा है उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो सीईओ है या वो कौन है। तो उसके लिए लेट्स से कि मैं यहाँ लिख दूंगा ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइनर। यहाँ से हम सबसे पहले थिन इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट, फिर उसके बाद इसका साइज डिक्रीज कर देते हैं। Let's just keep it in the middle, like this. Yeah, this looks okay. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने ये एक डिजाइन बनाना है जिसमें ये व्हाइट कलर का हमारे पास रेक्टेंगल है और फिर इसमें हाफ सेट हुआ हुआ है हमारे पास एक ऑरेंज कलर का रेक्टेंगल। आई थिंक दिस इज प्रिटी सिंपल टू मेक, क्योंकि अब आप लोगों को डिजाइन बनाना आ गया है। बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए फिर भी ये डिजाइन बना के दिखा देता हूँ कि लेट्स जस्ट सेलेक्ट राउंडेड रेक्टेंगल फॉर नाउ। फिल इसका मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं फिल वॉज व्हाइट, सबसे पहला फिल हमारा व्हाइट था। यहां से स्टार्ट लेते हैं और यहां तक हम लोग yes, there you go, एक हम लोगों ने ये क्रिएट कर लिया। अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑरेंज कलर का आ रहा है उसमें या सब पहले फिर आप वो बनाना शुरू करो। सेकेंडली एक ऑप्शन और क्या है कि मैं इसकी क्यों ना डुप्लीकेट निकालू और उस डुप्लीकेट कर दू, वो भी एक एडवांटेज है मेरे पास। साइज उसका चेंज करना है हम वो भी इजीली कर सकते हैं, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन अस एज वेल। तो उसके लिए क्यों ना मैं राउंडेड रेक्टेंगल जो मेरे पास ये इसको अब नजर इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल इट्स राइट ऑन टॉप। यहां से प्रॉपर्टीज वेटेड था तो मैं यहीं से इसमें ये कलर में चेंज कर देता हूँ। एंड मेरे पास साथ सबसे पहले तो मैं इसका साइज छोटा करता हूँ। फातिमा आई बिलीव आपके इंटरनेट में फिर प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है। थोड़ा सा इसका साइज हम लोग इंक्रीज कर दें द डिजाइन पर्पस। अच्छा मेरे पास इंटरनेट में एसएच तो इशू नहीं आ रहा, नंबर आपको क्लियर आ रही है? चलो तो ठीक है, नंबर इस सेम इनको क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा ये मेरे पास एक बन गया है, ये बस एंड होने वाली है क्लास, जैसे ये एंड हम लोग डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं तो क्लास एंड हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम लोग और मजीद इंक्रीज कर लेते हैं साइज, मेबी दिस मच, दिस लुक्स गुड नाउ। और ये हमारे पास एक डिजाइन क्रिएट हो गया। अच्छा अब हमारे पास पर्पस क्या था ये बनाने का, गाइड्स। देखो ये गाइड्स के अंदर मैंने सेफ एरिया के अंदर अंदर ही ये डिजाइन बनाया और ये नाम लिखा, ठीक है ये सब डिजाइन वगैरह हमारे पास क्रिएट हुआ। लेट्स से कि अगर जो प्रिंटर है उससे गलती से यहाँ से कटिंग भी हो जाती है जो हमारे सेफ एरिया से बाहर वाला एरिया है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है।
जी, क्वेश्चन करें आप। और अनिला सिंह, बकास, आप भी क्वेश्चन कर लें। एंड सर, प्रोजेक्ट में हमने किसी भी डिजाइन को रिक्रिएट करना है या अपना डिजाइन बनाना है। आप दोनों, आप लोगों के पास पीकेएन से ऑप्शन होगा। मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग अपना डिजाइन एक खुद बनाओ, लेकिन अब खुद डिजाइन बनाने का मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग कहीं भी, जहां भी आपका दिल चाहे, आप लोग टेक्स्ट लिखना शुरू कर दो। अब आपने जो डिजाइन बनाना है वो टेक्स्ट को मैनेज करके बनाना है, ठीक है जी? विकास, आप पूछ सकते हैं मेरे से। इफ इट्स नॉट रेलेवेंट तो आप वो एवरीवन की जगह आप मुझे क्वेश्चन में या मुझे टैग करके तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग कोई अपना टेक्स्ट वगैरह लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? मॉकअप का भी मैं बता देता हूँ आपको। उसके अलावा जो भी आपने एड्रेसेस वगैरह लिखने हैं, लेट्स सपोज ये आपके सारे एड्रेसेस वगैरह आ गए, ये हम लोगों ने एड्रेस लिख दिए, और हम लोगों ने PNG आइकन्स को डाउनलोड करना होगा और वो यहाँ पे लगाने होंगे जो लोकेशन वगैरह के होते हैं। सो आप लोग लिखोगे लोकेशन आइकन वगैरह, ठीक है? मेजरमेंट्स वगैरह आप गूगल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं आइडिया कि ये 3.25 x 1.75 क्या था, तो आप ये जाके गूगल पे लिखो, आपको एग्जैक्टली इसका साइज मिल जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड वेबसाइट्स के लोगोज, आइकन्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है? तो वो हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट एंड देन लेट्स गो इनटू आइकन्स। आपको मेरा व्हाट्सएप नहीं मिल सकता, आप लोग LMS के ऊपर ही मेरे साथ क्यूरी करेंगे। जो भी आपने डिस्कशन वगैरह करनी होगी तो वो आप मेरे साथ LMS के ऊपर ही कर सकते हैं। LMS के ऊपर मैं ही रिप्लाई देता होता हूँ। देखिए जी, हमारे पास ये PNG वगैरह के आइकन्स वगैरह सब सब पड़े हुए हैं। सो आई विल जस्ट टेक वन फॉर एन एग्जाम्पल, जिसमें मेरे पास ये एक वेबसाइट का बना हुआ आ रहा था, ये रहा, ठीक है? इसी को मैं लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये मेरे पास आइकन्स यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद इसको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए हम इसको फिलहाल इतना रख लेते हैं। एंड देन अब देखो, ब्लैक कलर है ये, अब हमें कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे? यही फायदा होता है हमारे पास PNG आइकन का, कि मैं इसको डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल बॉक्स को ओपन करता हूँ, ऑलराइट? और उसके बाद कलर ओवरले को एक्टिव करता हूँ, फिर जो भी मैं कलर करना चाहता हूँ वो वाला कलर मेरे पास डिजाइन में यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रियल टाइम में। तो ये एक तरीका होता है। आपको LMS पे लेक्चर्स डाउनलोड की ऑप्शन नहीं मिलेगी, आप लोग वहां पे लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, यानी कि जितनी आपके पास एक्सेस होगा सारा टाइम का, तो आपने जब मर्जी देखे हैं तो आप LMS के ऊपर से ही देख सकते हो, आप डाउनलोड नहीं कर सकोगे उसको। देखिए जी, ये लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि ये मेरे पास साइजेस का सेट हो गया, और इसी तरह से हमने बाकी जो भी आइकन्स थे वो आइकन्स हम लोगों ने लगा लिए। एंड देन मटेरियल में कर दिया, ये भी हमने मटेरियल में कर दिया। जो आप लोग बाकी दूसरे स्टूडेंट्स हो वो काइंडली इनको LMS का लिंक दे दीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको LMS का लिंक नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में इसका लिंक लिख के प्लीज सेंड करते हैं आप। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब मुझे मॉकअप में लगाना है या प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो कैसे लगाएंगे? उसके लिए टू साइडेड कार्ड अगर क्रिएट करना है आपने, फ्रंट और बैक का क्रिएट करना है, तो ये हो गया आपका लेट सपोज फ्रंट, और जो आपका बैक होगा उसमें आप लोग क्या करोगे कि उसके लिए दोबारा से कैनवस बना लो और उस पर डिजाइन बना लो, या इसी को सारे को ओवरराइट कर लो। ये जितना भी आपने काम किया होगा इसे ग्रुप करके, जस्ट लाइक दिस, ये मैंने ग्रुप कर दिया। देखो सब कुछ एक ही हिस्सा मेरे पास ग्रुप हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ फ्रंट, ठीक है? अब जब हमने बैक के ऊपर काम करना है, तो बैक पे काम करने के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और फिर नई लेयर्स बनाना शुरू करूंगा। फिर उन सबको ग्रुप करके मैं कह दूंगा बैक,
एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये है कि नए सिरे से मैं कैनवस पर क्रिएट करके बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है, वो ये तरीका होगा। एनीवेज अब मैं मॉकअप के ऊपर बात करता हूँ और फिर हम लोग लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उसके लिए आई डोंट हैव अ पीसी बट ओल्ड लैपटॉप, सो विच लैपटॉप इज सूटेबल फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। लैपटॉप आपके पास कोर i5 होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए और उसके अलावा 1 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, 500 GB ऑफ SSD होनी चाहिए, तो आपका लैपटॉप इज गुड टू गो, ठीक है। अच्छा जी, पिक्सल और वेक्टर का मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पिक्सल जो होता है हमारे पास वो एक कंप्यूटर बेस्ड चीज़ होती है, या आप कह लो कि एक फोटोग्राफी या पिक्चर जिस तरह ली गई होती है उसको हम लोग पिक्सल कहते हैं। जिस तरह आपने अक्सर नोट किया जब आप अपने मोबाइल फोन से पिक्चर लेते हो उसको ज़्यादा जूम करोगे तो वो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, इसी तरह जो वेक्टर होता है वो मोबाइल बेस्ड एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर चीज होती है जिसमें जितना मर्जी उसको आप जूम कर सकते हो, उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, उसका साइज डिक्रीज कर सकते हो, कभी भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, पिक्सलेट नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा। ये एक वेक्टर होता है। वेक्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पे आपने देखा है अक्सर बड़े बड़े बिल बोर्ड वगैरह लगे होते हैं तो वहां पे इस्तेमाल होते हैं वेक्टर्स। व्हाई? बिकॉज वो इतने बड़े स्केल के ऊपर प्रिंटिंग होनी होती है, तो अगर वो पिक्सल होगा तो वो पिक्सल फटना शुरू हो जाएगा। राइट? ये एक डिफरेंस होता है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं मॉकअप्स के अंदर। मॉकअप में विजिटिंग कार्ड डिजाइन, लेट्स सपोज ये वाला, ये हमारे पास एक विजिटिंग कार्ड का PSD फॉर्मेट है। मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, ये मेरे पास एक मॉकअप नजर आना शुरू हो गया। मॉकअप आप डाउनलोड कहाँ से करोगे? आप लोगों ने freepik.com ये जो वेबसाइट है इस पर जाके आप लिखो विजिटिंग कार्ड मॉकअप्स, ठीक है। जब आप वो लिखोगे तो आपको अपने फिल्टर में PSD फॉर्मेट वाली फाइल लगानी है क्योंकि ये हमने फोटोशॉप में बनाया है, तो आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मॉकअप डाउनलोड करोगे, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ये आइकन बना होता है, ठीक है, ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर हमारा मॉकअप लग सकता है। उसको डबल चेक करने का तरीका क्या है कि ये आई को मैंने ऑफ किया, देखो ये मेरे पास फ्रंट वाला सारा गायब हो गया, खत्म हो गया डिस्प्ले। आप दोबारा से इसको ऑन कर लो, ये अब डबल चेक हो गया हमारे पास कि इधर ही मॉकअप लगेगा। सेकेंडली, ये जैसे ही मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला आइकन को डबल क्लिक किया, मेरे पास कैनवस यहाँ पे इस तरह से शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने अपने कैनवस का स्क्रीनशॉट लेना है, इस कैनवस का स्क्रीनशॉट लेके हमने वहां पे पेस्ट करना है। उसके लिए एक सिंपल और इजी तरीका है कि अगर मैं कंट्रोल या कमांड ए प्रेस तो मेरे पास सारा सिलेक्शन आ गया, ठीक है, ये पूरे कैनवस का। फिर कमांड शिफ्ट एंड सी, मैं ये प्रेस करूंगा तो मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन क्योंकि मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया है। कमांड शिफ्ट सी प्रेस करोगे तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। फिर आपने अपना मॉकअप ओपन करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला, वहां पे कमांड या कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो ये हमारे पास स्क्रीनशॉट इसका पेस्ट हो गया। फिर इसको लेफ्ट साइड पे पहले और टॉप पे हमने अरेंज किया। आफ्टर दैट कमांड या कंट्रोल टी के साथ मैंने इसको इक्वली स्ट्रेच किया, यहां तक स्ट्रेच हो गया। देखो थोड़ा सा गैप आ रहा है तो हम लोग इसको ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट के ऊपर भी इतना कोई खास फर्क ना पड़े। एंड देन सिलेक्शन को ओके करो। लेकिन देखो यहाँ पे बेशक ये मेरे पास सिलेक्शन पूरी देखो उसके ऊपर आ गई है मेरे डिजाइन के ऊपर, बट स्टिल मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो डिजाइन वहां पे नजर नहीं आ रहा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जब भी कभी मॉकअप आप लोगों ने शो करवाना है तो उसके लिए आपने कमांड या कंट्रोल एस प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कमांड या कंट्रोल एस प्रेस, मॉकअप सेव होगा, ये यहाँ पे डिस्प्ले में नजर आना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली आई विल जस्ट रिपीट द प्रोसेस, क्योंकि लेट सपोज ये फ्रंट था और ये बैक था, अब आपने बैक के ऊपर भी स्क्रीनशॉट लगाना है तो उसके लिए ये वापस से एक आपको नजर आना शुरू हो जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट कोई भी एक लेयर के अंदर। डबल चेक करना है तो उसको ऑफ करके देख लो क्या लेयर ऑफ हो रही है कि नहीं। हाँ, ऑफ हो रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास
यही सारा 100% कंफर्म हो गया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये है। फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन करो और रिपीट द सेम प्रोसेस बैक वाले के साथ। कमांड या कंट्रोल ए प्रेस करके आप लोगों ने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है सारे की। फिर कमांड शिफ्ट सी के साथ आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद हम लोग इसको जितना भी वो करना चाहिए जैसे बिल्कुल एक्यूरेट साइज के साथ हम लोगों ने इसको इंक्रीज करना है। दिस इज अ लिटिल टू मच तक रख के थोड़ा सा इंक्रीज कर दो एंड देन कमांड या कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो हियर यू गो, ये आपके पास फ्रंट और बैक का मॉकअप आ गया। तो इस तरीके से आप मॉकअप करोगे यूज। अच्छा, मॉकअप बेसिकली प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, होता है क्लाइंट को ये दिखाने के लिए कि आपका कार्ड प्रिंट होके लगेगा कैसे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग अपना विजिटिंग कार्ड बनाएंगे। फिर आपने इसको स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है तो आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट निकाल लोगे और फिर जो भी आप लोगों ने इसको क्लाइंट को दिखाना है जिस तरीके से, इसका जेपेग होगा हमारे पास जो ये मॉकअप होता है। और उसके अलावा जो हमारी सोर्स फाइल्स होती हैं उसको आपने PSD के अंदर यूज करना होगा। एनी क्वेश्चन सो फार? क्लियर है जी सब? कोई मसला तो नहीं है? चले, आई होप कि आप लोगों को इतना सारा कुछ समझ आ गया हो, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी। तो डिफिकल्ट आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में लगेगा जरूर, लेकिन फिर आप लोगों को इजीली हो जाएगा। ठीक है, LMS लॉगिन नहीं हो रहा तो ये आई बिलीव आपको वहां से पता चल जाएगा। जो मैनेजमेंट है उनको आप मैसेज कीजिएगा, वो आपको बता देगी कि LMS का क्या इशू आ रहा है। अच्छा चले जी, अब लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट रखेंगे। अगर आप लोगों की कोई और क्यूरी होगी तो हम लोग ईद के बाद रखते हैं लेक्चर को। ऑलराइट, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और जो फाइनल प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी यही है कि आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग बिल्कुल भूल जाओगे। अच्छा, जिन जिन की क्यूरीज हैं आप लोग LMS के ऊपर मुझे क्यूरीज कर लीजिएगा, मैं ही वहीं पे क्यूरीज देख रहा होता हूँ तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई रिस्पॉन्स कर दिया करूँगा। चले जी, ठीक हो गया सारे सेशन वगैरह हमारे पास, सब क्वेश्चन वगैरह क्लियर हो गए। तो ईद के बाद इंशाल्लाह देख लेंगे, भी एक नया सेशन रख लेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।